हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट नीट काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको नीट काउंसलिंग में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज लगभग मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। और कुछ काउंसलिंग से अलग चॉइस फिलिंग के बारे में भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और मेरे को पिछली बार भी मैंने नीट दिया था जब 2020 में, उसका भी एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एक साल ड्रॉप किया था। तो पिछले अपने एक्सपीरियंस को, जो मैंने फेस किए थे प्रॉब्लम्स, वो सब भी मैं बताऊंगा, और कैसे चॉइस फिल करनी है, क्या ऑल इंडिया कोटा होता है, कौन से आईपीओ के कॉलेजेस, कौन से डीयू के कॉलेजेस, ये सब मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। बस वीडियो आप पूरी देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो। तो सबसे पहले नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट 2021 का रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है और अभी थोड़ी दिनों में ही काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर डीन कॉलेजेस, उसमें 15% होती हैं ऑल इंडिया कोटा सीट्स, जो कि कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। चाहे दिल्ली में कॉलेज हो तो मुंबई का कोई लड़का भी इसमें एडमिशन ले सकता है, और वैसे ही कोई दिल्ली का बच्चा भी इसमें एडमिशन ले सकता है। तो सबको बराबर कंपटीशन होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं 15% कोटा में, उसमें सबको बराबर मौका दिया जाता है। लेकिन फिर आता है 85% स्टेट कोटा, जिसमें खाली दिल्ली के स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं एडमिशन, अगर दिल्ली का कॉलेज है। और ऐसे ही अगर यूपी का कॉलेज है तो उधर सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको उधर जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां से ही उधर आप 2 साल रहे हुए रहने चाहिए, और उधर का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए कि वो प्रूफ होता है कि आप उधर 2 साल रहे हैं या फिर आपने उधर से स्कूलिंग पूरी करी है प्रॉबेबली। और ये जो दोनों कोटा हैं ये SC ST कोटा से अलग होते हैं, यानी ऑल इंडिया कोटा जो होता है उसमें SC ST कोटा, जनरल कोटा, ये सब अलग होते हैं, और जो स्टेट कोटा होता है उसमें भी SC ST कोटा और जनरल कोटा अलग होते हैं। तो ये जो कास्ट कैटेगरी है उससे हटके कोटा होते हैं, यानी जो भी सीट्स हैं, जैसे 100 सीट्स हैं तो उसमें 15 जो होते हैं उसमें ऑल इंडिया वाले कम्पीट करेंगे, और 85 जो है उसमें जहां वो कॉलेज है उसके स्टेट वाले सिर्फ कम्पीट करेंगे। तो सबसे पहले होगी ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो कि 15% जो सीट्स हैं सबसे पहले वो जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाएंगी। और इसमें क्या होता है कि ये कंडक्ट कराया जाता है MCC द्वारा, और उसके बाद होता है स्टेट कोटा की काउंसलिंग, जो कि रिस्पेक्टिव जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा कराई जाती है। अब क्या होता है, जो ऑल इंडिया कोटा होता है वो MCC के द्वारा कराया जाता है, तो MCC के द्वारा और भी कुछ कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, और कुछ स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं वो कराई जाती हैं, जो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये सारे जो होते हैं ये MCC द्वारा इन कॉलेजेस की और इन स्टेट्स के गवर्नमेंट की जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। अभी आगे मैं दिल्ली स्टेट के बारे में और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, मैं खुद दिल्ली स्टेट का स्टूडेंट हूँ और खुद मैंने एग्जाम दिया है नीट 2021, और मैं अभी इस साल वापस चॉइस फिलिंग करूंगा, पिछले साल भी मैंने करी थी और इस साल मैं वापस चॉइस फिलिंग करूंगा, और उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है उसमें क्या होगा, MCC द्वारा वो कंडक्ट कराया जाएगा, और उसमें स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है कि आप ऑल इंडिया कोटा पे टिक करेंगे, और अगर आप दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट हैं तो उसमें DU और IPO लिखाएगा, आप उस पर भी टिक करेंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होइए दिल्ली स्टेट के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं बाद में पूरा क्लेरिफिकेशन दूंगा। अभी ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है, फिर आपको जो कॉलेजेस हैं, जो भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में, उसकी आपको चॉइस बनानी होती है कि आपने उसकी प्रायोरिटी क्या है, और आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। सपोज सबसे पहले आपकी चॉइस प्रेफरेबल क्या रहेगी, एम्स न्यू दिल्ली रहेगी, कि अगर आपको आपके 720 में से 720 मार्क्स आए हैं तो सबसे पहले आपने जो कॉलेज दिया है आपको वो दिया जाएगा। अगर वो नहीं मिला तो फिर सेकेंड कॉलेज पे जाएगा। अगर आपके मार्क्स उस जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको वो कॉलेज दिया जाएगा। लेट अस सपोज कि आपके 690 मार्क्स आए हैं और आपने चॉइस भरी है एम्स न्यू दिल्ली, फिर MAMC, देन VMMC, तो सबसे पहले आपका जो 690 मार्क्स है उस पर एम्स न्यू दिल्ली चेक होगा कि अगर आपको वो मिलता है तो वो दिया जाएगा। तो अगर 690 पे आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलता है तो फिर MAMC में आपको जो 15% कोटा है MAMC का उसमें ट्राई किया जाएगा। फिर अगर वो अगर आपको आपके मार्क्स उसकी कट ऑफ को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको उसके रिगार्डिंग अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, और ऐसे ही आगे होता है। मतलब उसके फिर अगर वो MAMC नहीं मिलता तो आपको उससे नीचे जो आपने चॉइस भरी होगी वो आपको ट्राई किया जाएगा, अगर आप उसकी कट ऑफ को सेटिस्फाई करते हैं तो उसमें होगा, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे कॉलेजेस में आपका जो है वो ट्राई किया जाएगा।
यानी मेन बात यह है कि आपको जो चॉइस है वो सबसे ऊपर उस कॉलेज की बननी है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए, यानी ऑब्वियसली आप एम्स न्यू दिल्ली भरेंगे सबसे पहले क्योंकि वो टॉप कॉलेज है, और उसके बाद में या फिर ये आपकी भी चॉइस हो सकती है अगर आपको एम्स न्यू दिल्ली नहीं चाहिए और अपने स्टेट का कोई अपने स्टेट में ही कोई कॉलेज चाहिए तो आप सबसे पहले ऊपर वो भरेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके 720 में से 720 भी मार्क्स आए हैं और अगर आप चॉइस में फर्स्ट जो चॉइस आपकी सबसे ऊपर उसमें आप एक डेंटल कॉलेज भर देते हैं तो आपका डेंटल कॉलेज में एडमिशन होगा और आपको एमबीबीएस कॉलेज की सीट तक नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग के वक्त बहुत ध्यान रखना है। तो और सबसे पहले चॉइस वही भरनी है जो कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए और उसके बाद में जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है और आपकी थर्ड प्रायोरिटी है, ऐसे करके आपको अपनी प्रायोरिटी वाइज अपना जो कॉलेज है वो उसमें चॉइस फिलिंग करनी। और ऐसे एक और एग्जांपल बताऊं तो जैसे आप अगर बिहार में रहते हैं और आपको जैसे आपको एम्स न्यू दिल्ली नहीं चाहिए, आपको एम्स पटना में कराना है, तो आप एम्स न्यू दिल्ली अगर फर्स्ट चॉइस में जो फर्स्ट रैंक पे आपकी चॉइस फिलिंग होगी उसमें सबसे ऊपर अगर आप एम्स दिल्ली को ना रख के एम्स बिहार रखेंगे तो अगर आपके 720 में से 720 मार्क्स भी आए हो और आपको एम्स दिल्ली मिल सकता हो लेकिन फिर भी आपको एम्स दिल्ली ना देके आपको एम्स पटना दिया जाएगा क्योंकि आपने प्रायोरिटी में सबसे पहले उसको रखा है और उसकी कट ऑफ आपको ऑब्वियसली जब 720 मार्क्स आए हैं तो एम्स दिल्ली की सेटिस्फाई हो रही है तो एम्स पटना की तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन आपको एम्स पटना दिया जाएगा क्योंकि आपने सबसे पहले उसको प्रायोरिटी में रखा है। तो अब ये चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग लगभग उस पर आपकी बात सॉल्व हो गई होगी। अब क्या होता है अगर आपने बहुत सारे कॉलेज भरे अपने चॉइस के हिसाब से, मैंने पिछले साल अपने स्टेट के सबसे पहले कॉलेज भर दिए थे जो टॉप कॉलेज थे जैसे एम्स न्यू दिल्ली, फिर एमएमसी और ऐसे करके सारे दिल्ली के कॉलेजेस, फिर अपने दिल्ली के स्टेट के पास में कोई जो कॉलेज है जो स्टेट है उसमें जैसे हरियाणा में और यूपी में चंडीगढ़ में इसमें भरा, ऐसे फिर धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी जो साउथ इंडिया के कॉलेज है वो मैंने सबसे लास्ट में भरे क्योंकि वो बहुत दूर थे मेरे घर से और मैं उधर नहीं जाना चाहता था। ऐसे ही आपको सारी चॉइस फिलिंग करनी है और फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें अगर आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं 670 650 से ऊपर तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अपना ड्रीम कॉलेज ऑब्वियसली मिल सकता है। तो जैसे आपने आपको वीएमएमसी चाहिए या फिर आपको एमएमसी चाहिए और आपके एमएमसी जितने कट ऑफ वाले मार्क्स आ जाते हैं तो आपको पहले राउंड में एमएमसी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको पहले राउंड में नहीं मिलता तो जरूरी नहीं कि आपका एडमिशन ही ना हो, फिर आगे इसके भी बहुत सारे राउंड किए जाते हैं जिसमें शायद आपका नंबर आ जाए। अब इम्पॉर्टेंट है ये दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली स्टेट के लिए थोड़ी अलग काउंसलिंग होती है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है कंट्री का और इसमें ज्यादातर जो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे कॉलेजेस ड्रीम करते हैं, यहाँ पे ही जो एमएमसी है यानी टॉप कॉलेज है और एम्स दिल्ली है वो इधर ही है और सारे लोग जो होते हैं वो दिल्ली में आने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो काउंसलिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की वो एमसीसी ही कर देता है कुछ कॉलेजेस के लिए। अब जैसे जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उसकी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग यानी 85% जो स्टेट कोटा था उसकी काउंसलिंग एमसीसी करा देता है, लेकिन सिर्फ कुछ कॉलेजेस की। कौन कौन सी वो मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, यानी कि डीयू के जो कॉलेजेस होते हैं उन सब की काउंसलिंग होती है, यानी यूसीएमएस, एलएचएमसी और एमएमसी, इन सब की जो 85% जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं ये सारी एमसीसी के द्वारा ही काउंसलिंग कराई जाती है। और आईपीयू जो होता है, अब उसमें डिफरेंस है कि उसमें दो तरीके के कॉलेजेस हैं, एक है वीएमएमसी और आरएमएल, यानी वीएमएमसी और एबीवीआईएमएस है, उसका आरएमएल हॉस्पिटल है उसका एसोसिएटेड। तो जो वीएमएमसी है और एबीवीआईएमएस है इसकी काउंसलिंग जो होती है ये एमसीसी द्वारा ही करा दी जाएगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ ही हो जाएगी। लेकिन जो बाकी इसके अलावा कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस आईपीयू के, उनकी काउंसलिंग जो होता है वो आईपीयू अलग से कराता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात कई लोगों को पता नहीं होती है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है आईपीयू की अभी कुछ दिन में चालू होगी, आपको आईपीयू की साइट में एमबीबीएस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल बार बार चेक करते रहना है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आईपीयू का प्रोसेस अलग होगा कुछ कॉलेजेस के लिए, जैसे कि जो बीएसई कॉलेज है और एनडीएमसी कॉलेज है इन कॉलेजेस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होगा आईपीयू। और जो आईपीयू के कॉलेजेस होते हैं जो बचे यानी कि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनकी तो कॉलेजेस वीएमएमसी और जो एबीवीआईएमएस है ये आईपीयू के टॉप कॉलेजेस हैं, इनकी तो एमसीसी ही कराता है, लेकिन जो लो रैंकिंग कॉलेजेस हैं बाकी बचे दो, वैसे कॉलेज तो कोई बेकार नहीं होता लेकिन फिर भी इनकी लो रैंकिंग होती है और लास्ट में भरे जाते हैं, इनकी जो होती है कट ऑफ लो जाती है और इसी में एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये आईपीयू सेपरेट कंडक्ट कराता है। तो अगर आपको एमबीबीएस में सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो आप उस कॉलेजेस में जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके लो मार्क्स हैं,
तो उन कॉलेजेस में जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है जो एमसीसी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो एमसीसी करवा देता है डीयू और आईपीयू के जो वीएमएमसी है और एबीए वीआईएमएस है और जो ईएसआईसी एक डेंटल कॉलेज है उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करा देता है। तो वो उसकी जो पूरे 100% सीट्स हैं वो एमसीसी द्वारा करा दिए जाएंगे, क्योंकि 15% तो ऑल इंडिया तो सबके कराता ही है और जो 85% स्टेट कोटा सीट्स हैं डीयू और आईपीयू के जो कुछ कॉलेजेस बताए ये भी एमसीसी करा देता है। और इसके लिए आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप डीयू आईपीयू के लिए अगर जब स्टार्टिंग में एमसीसी में आपसे पूछा जाएगा ऑल इंडिया कोटा और अगर डीयू आईपीयू का एक और चॉइस होगा उसका आपको टिक करना है, पिछले साल तो ऐसा ही हुआ था। तो अगर आप डीयू आईपीयू पे टिक करते हैं तो आप ये जरूर मेक श्योर करें कि आप 2 साल इधर दिल्ली में रहे हो और आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल जरूर हो, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं होगा तो बाद में जब आपसे डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए आपको दिल्ली में यहाँ के रेजिडेंट हो और इधर के ओरिजिनल जो डोमिसाइल है वो आपके पास जो होने बहुत जरूर है और आप जल्द से जल्द वो बनवाएं, क्योंकि बाद में वो डॉक्यूमेंट्स जब आपको वापस जब एक बार अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है तो फिर आपको वापस रजिस्ट्रेशन करना होता है दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के लिए। एफएमएससी नाम की एक साइट है, अलॉटमेंट लेटर आपको एमसीसी द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा डीयू और जो आईपीयू के कुछ कॉलेजेस थे उनके लिए, लेकिन बाद में आपको जो सारा प्रोसेस है अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद वो सारा एफएमएससी जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद होगा, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें डोमिसाइल जरूरी। सबसे लास्ट में अभी तक सारे लगभग जो है काउंसलिंग से रिलेटेड जो डाउट्स है वो सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन अब क्या होता है एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है वीएमएमसी वर्सेस यूसीएमएस के रिलेटेड, ये कोई भी नहीं बताता है और ज्यादातर इसी वीडियो में एक्सक्लूसिव बता रहा हूं मैं, यूट्यूब पे किसी ने भी ये क्वेरी को सॉल्व नहीं किया है कि ऑब्वियसली लोगों को ये कंफ्यूजन होता है उनके अच्छे मार्क्स जब आ गए होते हैं तो एम्स न्यू दिल्ली चाहिए और एमएमसी चाहिए वो तो शॉर्ट शॉर्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर आपको एम्स न्यू दिल्ली मिला और उसके बाद में वो नहीं मिला तो एमएमसी में आप एडमिशन लेंगे, लेकिन उसके बाद बच जाते हैं कॉलेजेस वीएमएमसी और यूसीएमएस। यूसीएमएस आता है डीयू के अंदर और वीएमएमसी आता है आईपीयू के अंदर। अब ये दोनों कॉलेजेस जो है दोनों ही काफी अच्छे कॉलेजेस हैं और कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि दोनों में से कौन सा लें। वैसे तो वीएमएमसी जो है उसकी जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा जाती है और लोग उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन यूसीएमएस भी काफी अच्छा कॉलेजेस है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मतलब इसमें सीधा सीधा डिफरेंस बताऊं तो अगर आपको ये सबसे पहले ये तो कंसीडर नहीं करना कि कौन से की लोकेशन अच्छी है, कौन से में मस्ती ज्यादा होती है और कौन से में फन ज्यादा है। फन आपको हर मेडिकल कॉलेजेस में, अगर आप अभी जैसे नीट की तैयारी से निकले हैं तो आपकी बहुत कम सोशल लाइफ होगी और बहुत कम आपने मजे किए होंगे, तो आप जो कॉलेज लाइफ है वो सब कॉलेजेस की फन होगी, फन लगेगी आपको। सबसे पहले करियर पे फोकस करना है और आगे जो फ्यूचर प्लान्स है आपको उसके रिलेटेड आपको अभी से जो डिसीजन लेने होंगे। तो सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर आपको आपका प्लान है आगे यूएस जाने का या फिर आगे यूके जाने का या फिर कोई भी फॉरेन में यूनिवर्सिटी से पीजी करने का, यानी आप ये रेजिडेंसी करने का जो कि कई इंडियन डॉक्टर्स जाते हैं, तो आपको यूसीएमएस में जाना चाहिए, क्योंकि यूसीएमएस की जो रैंकिंग है वो रिसर्च एम्स न्यू दिल्ली के बाद में यूसीएमएस सबसे ज्यादा रिसर्च मटेरियल पब्लिश करता है और यूसीएमएस जो है वो बाहर जाने के लिए यानी बाहर की यूनिवर्सिटीज से के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डीयू के अंदर आता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको टैग मिल जाता है, इस वजह से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बाहर की जो रेजिडेंसी है उसके प्रोग्राम में मैच इन करने का। लेकिन अगर आपका प्लान वो नहीं है, क्योंकि जैसे मेरा है उसमें आपको 16 लाख के अराउंड कुछ बजट आपको रखना पड़ेगा, 16 लाख के अराउंड अगर आप यूएस में यूएसएमएलई दे के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें रेजिडेंसी प्लान के लिए आपको 16 लाख जो है उसका बजट रखना होगा, जो कि कई लोगों का नहीं होता है और वो इधर इंडिया से ही पीजी करते हैं। तो उस वो अगर आपका प्लान है तो अगर इंडियन पीजी है तो आपको शॉर्ट शॉर्ट आपको वीएमएमसी लेना है, और अगर आपको फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी से रेजिडेंसी प्रोग्राम करना है तो आपको यूसीएमएस सिलेक्ट करना है। वीएमएमसी आपको इंडियन पीजी के लिए यानी नेक्स्ट के लिए इसलिए लेना है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल कोटा होता है और उसमें आप डीयू के रिलेटेड बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपका जो पीजी है उसमें मैचिंग करने का, जो आपको नेक्स्ट के बाद इंडिया में पीजी मिलेगा उसके लिए वीएमएमसी में यानी आईपीयू कॉलेज जो है उसमें इंटरनल कोटा होता है।
तो अगर आप इंडिया से पीजी करना चाहते हैं तो वीएमएमसी में बहुत आसान हो जाता है और आपको वीएमएमसी के लिए जाना चाहिए। और अगर आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यानी कि जो कोई यूएसएमएल करना चाहते हैं या प्लैप करना चाहते हैं, तो आपको यूसीएमएस में एडमिशन लेना चाहिए। बाकी कोरा में भी बहुत से लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लगभग ऑल इन ऑल यही कंक्लूजन निकलेगा आपको कि आपको इंडिया में पीजी करना है तो वीएमएमसी, और अगर फॉरेन में पीजी करना है यानी यूएसएमएल और प्लैप, तो आपको यूसीएमएस में जाना चाहिए। दर्शन गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सारी जो नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड है और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है और वीएमएमसी वर्सेस यूसीएमएस, ये कई लोगों की क्वेरी रहती है, इससे रिलेटेड लगभग सारे डाउट्स जो क्लियर कर दिए हैं। और आपको भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और लगा हो कि बाकी किसी यूट्यूबर ने ये जो टॉपिक्स थे वो कवर नहीं किए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफी रिसर्च लगी थी, तो इसलिए जरूर इसको सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग होने वाली है कुछ दिनों में, वो कई लोग गलत भर देते हैं, कई लोगों को आईपीयू के जो बाकी कॉलेजेस हैं उनके बारे में पता नहीं होता, और कई लोग बाहर का फॉरेन का प्लान कर रहे होते हैं और फिर वो यूसीएमएस में एडमिशन नहीं लेते, वीएमएमसी में एडमिशन ले लेते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की हेल्प हो, और इसमें अब कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, जिसको जो कॉलेज मिलना है वो तो मिले, बस बात का जो प्लान है उनका वो, उससे रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई हैं, और जो उनके लो मार्क्स आए हैं उससे रिलेटेड मैंने आईपीयू के कुछ कॉलेज बताए हैं। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मेरे से कोई बात छूटी हो या फिर और किसी चीज से रिलेटेड आपको करी चाहिए। अगर आपको लगा हो कि आपकी हेल्प हुई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।